सबसे ज्यादा हैरत मुझे ये सज्जाद सलीम सज्जाद भाई जिनको मैं कहता था पहले, उनकी उनका चेहरा देखकर मुझे हुई कि ये झूठ वो शख्स बोल रहा है कि जिस पर मैं खुद शायद ट्रस्ट करता था कि यार वाकई में ये उन जगहों पर जाता है, बंदा लाइव दिखाता है जहाँ कुछ होता है। लेकिन यहाँ सज्जाद भाई जैसे आपने कहानी घुमाई है ना, मुझे क्लियर, मैं आप 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आपकी हर वीडियो झूठी है। उसमें आप मेरे साथ रहो, जो आपको करना है करो, इसके अलावा मैं बशर्ते मुस्तान हाजिर हूँ, मैं चलना मेरे साथ, जहाँ चलना हो चलना, वहाँ कोई दो तीन और भी जगह बता दो, वहाँ भी मैं चलूँगा, कोई मसला नहीं, और आपको जन्नत दिखाऊंगा। और ये जो आप इसमें आप जिक्र कर दो कि जन्नत कैमरे में नहीं आते, नहीं भाई, असल जन्नत कैमरे में ही आते हैं, जो कैमरे में नहीं आते वो चादर वाले जिन होते हैं, जो आपने देख भी लिए गोली मार हॉन्टेड हॉस्पिटल में, जो सज्जाद भाई दिखा के गए। लेकिन ये सज्जाद भाई ने जो बनाई, उनकी एक फैन फॉलोइंग है बहुत बड़ी, वो मीडिया फील्ड के बंदे हैं और बहुत वीडियो देखी हैं, कब्रिस्तान वगैरह इन जगहों पे जाते हैं। मुझे तो मेरा तो एतमाद बता के खुद मेरा तो एतमाद इन पे से उठ गया है, क्योंकि यहाँ के इन्होंने जितने झूठ बोले हैं, मैं नहीं समझता कि इनकी कोई एक वीडियो भी सच्ची होगी। तो इस वजह से मैं और आबिद की तरफ से, मेरी और आबिद की तरफ से, ये सज्जाद भाई को भी, जो सो कॉल्ड बहुत बड़े वो बनते हैं कि जी ये जिन्नातों को पकड़ते हैं, या आजकल तो उनको बाबा का भी खिताब दिया गया है गुज़िश्ता एक दो वीडियो के बाद, हम उन्हें चैलेंज करते हैं, आप दोबारा यहाँ आए। ये तो एक जगह है ना जिमनेजियम, हम आपको दिखाएंगे एक ऑडिटोरियम, वो भी जो है अंडर कंस्ट्रक्टेड है, अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब वो बना ही नहीं है पूरा, रात का वक्त है, हम आपको दिखा नहीं सकते। इसी की सेम वीडियो हम एक इंशाल्लाह दिन में भी बनाएंगे, वो आपको दिखाएंगे। तो सज्जाद भाई आए, अपने कैमरामैन वगैरह पूरी टीम लेकर आए, हम अपनी टीम रखेंगे, मैं और आबिद होंगे, एक आध बंदा और, आप भी कैमरा ऑन करें, हम भी, रात का जो टाइम आप कहेंगे, आप तो 8 बजे आए थे ना, मैं आपको कहूंगा रात के 1-2 बजे यहाँ खड़े हों, हमारे साथ खड़े रहें, दोनों के कैमरा ऑन रहेंगे, कोई एक सुपर नेचुरल एक्टिविटी कैमरा में आए ना आए, आपके किसी बंदे को नजर आए वो हमें दिखाए, उस वक्त मैं कहूँगा कि हाँ आप जीते। हालांकि नहीं नजर आएगा, क्योंकि यहाँ मैं अभी हम लोग आधे घंटे से मौजूद हैं, फिर एक ऑडिटोरियम लेके जाएंगे। और हकीकतन अगर सज्जाद भी यहाँ पर सुपर नेचुरल एक्टिविटीज समझते हैं कि यहाँ पर हुई है या उन्हें दिखी है, तो आकर आप चले, आप कहेंगे ना कि मैं, आप मेरे चैलेंज पर आप कहेंगे कि जी कैमरे में नहीं आती है चीज़ें, कैमरा में आप ना लाएं, हमारे कैमरे में भी नहीं आएंगे, आप यहाँ आए, हमारे साथ वक्त गुजारें, आपकी खिदमत भी हम करेंगे, आपकी मेजबानी भी हम करेंगे, 6 घंटे रहे। और मेवाशाह यहाँ से कितना दूर है कब्रिस्तान? हाँ, मेवाशाह तो मैं आपको बताता हूँ, आप हमारे साथ 6 घंटे रहें, अगर कोई एक चीज नजर आ गई आपके बंदे को, सोहेल भाई जिनको साए भी नजर आ रहे थे, और वही सोहेल भाई जिनको आग के शोले भी नजर आए, वो जनाब भी आए, और वो हमें तो दिखा सकते हैं ना, कैमरे में नहीं आएगी लेकिन हमें दिखा। दूसरी चीज, मेवा शाह का जिक्र किया गया, जिस पर फिर वो आपकी वीडियो में जब उनको कमेंट हुई मैडम का मिलता है कि जी वो मेवा शाह भी करीब है, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल वही साथ में था। भाई मेरे साथ में यहाँ कोई कब्रिस्तान नहीं, आपने तो ऐसे साथ में बोल दिया जैसे आपके बराबर में कब्रिस्तान, तो आपने कब्रें देखी है, बट जितना यहाँ से लालू खेत का है उतना ही यहाँ से इसका मेवा शाह। लेकिन सज्जाद भाई के झूठ पे हैरत मुझे बहुत ज्यादा हुई थी कि जब इन्होंने ये कहा कि जगह कोई 20-25 साल से गैर आबाद है और यहाँ कोई आ नहीं सकता, जब हम आए हैं तो हमें बाद में रिपोर्ट मिली है कि इसी तरीके से कुछ लोग यहाँ आए थे, और 2 दिन बाद हमें पता चला कि वो यहाँ से वीडियो बना के गए, क्योंकि हमें ये रिपोर्ट मिली थी कि वाटर बोर्ड वाले आए थे या कंस्ट्रक्टर आए थे और वो यहाँ जिम का मुआयना करके गए, नाप तोल करके गए, अपनी हमें ये रिपोर्ट मिली थी। जब वीडियो हमारे सामने आई तो मुझे हैरत भी हुई, सबसे ज़्यादा हैरत मुझे ये सज्जाद सलीम सज्जाद भाई जिनको मैं कहता था पहले, उनकी उनका चेहरा देखकर मुझे हुई कि ये झूठ वो शख्स बोल रहा है कि जिस पर मैं खुद शायद ट्रस्ट करता था कि यार वाकई में ये उन जगहों पर जाता है, बंदा लाइव दिखाता है जहाँ कुछ होता है। लेकिन यहाँ सज्जाद भाई जैसे आपने कहानी घुमाई है ना, मुझे क्लियर, मैं आप 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आपकी हर वीडियो झूठी है, आप प्रूफ करें, मैंने आपको चैलेंज किया है, आबिद और मेरी तरफ से आपको चैलेंज है, आप यहाँ ना आए दोबारा, अपनी टीम को लेकर आए, हमें दिखाएं, मैं आपको यहीं नहीं चैलेंज पूरे एरिया को दूंगा, ये 24 एकड़ जमीन है जो चारों तरफ से जिसमें वॉल बनी हुई है और ये दीवार बनी हुई है, ठीक है। सज्जाद भाई आप रात 12 बजे आए, 2 बजे आए, 3 बजे आए, मैं आपको यहाँ भी बिठाऊंगा, मैं आपको ऑडिटोरियम भी खुलवा के बिठाऊंगा, स्कूल की बिल्डिंग 3 फ्लोर पे जहाँ आप कहेंगे वहाँ बैठेंगे, वो बैंगलोर जो 30 साल बंद पड़ा रहा और आबिद और मैंने जिसे ओपन किया था, मैं आपको उसके अंदर भी बिठाऊंगा, उसका एक एक रूम भी दिखाऊंगा, कहीं पर भी एक भी जगह अगर आपने मुझे अपनी आंखों से सुपर नेचुरल एक्टिविटी आपने देखी और मुझे दिखा दी, मैं आपकी आवाम के सामने कहूंगा कि ठीक है आपने जो उस वक्त आपको यहाँ आए थे ऐसा कुछ था।
तो क्या हाल है घाटेल वालों? अच्छा, तो खबर कुछ ऐसी है कि 4-5 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें सज्जाद भाई, आबिद भाई, साद भाई गोली मार माउंटेड हॉस्पिटल का उसमें जिक्र था। इसके अलावा वो सरजानी वाला तो आपने देख ही लिया जो वहाँ गए थे और जन्नाती पूरी बता रहे थे कॉलोनी। उसके बाद निकला क्या बिल्ली और वो जो बंदे बंदे मरवाए थे वो, तो भाई ये होता है देखो फेक करने का अंजाम। और इनको काफ़ी क्या बोलो यार, बात ये है कि इनके चक्कर में हम भी जलील होते हैं। असली जिन दिखा रहे होते हैं ना तो लोग बोलते हैं ये भी नकली है, क्योंकि इन्होंने क्राइटेरिया ऐसा बनाया हुआ है कि अब लोग समझते हैं कि जिन्नात सामने ही आते हैं। भैया तो सामने आमने नहीं आते, सामने भी चादर वाले जिन आते हैं और सस्ती अदाकारी वाले होते हैं, तो उनसे तो हमारा कोई लेना देना नहीं। और बाकी साद और आबिद भाई आपसे एक जगह गलत गोली मार माउंटेड हॉस्पिटल में, वो ये है कि देखो अंदर उनका कब्जा नहीं है, वो जो जिमनेजियम है या उनको हॉस्पिटल कह लो उस जगह को आप, वहाँ उनका कब्जा नहीं है। अगर होता तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ते, क्योंकि वहाँ मैंने कोई कसर नहीं छोड़ दी। वहाँ मैंने बोला आप मारो जो करना है करो, मैं आपको यहाँ रहने भी दूंगा, जगह भी खरीद लूँगा। तो अगर उनका वहाँ कब्जा होता ना तो बस वो मुझे मेरे तो 4 टुकड़े करके भेजते वो वहाँ से। देखो असल जिन थे बाहर, वो आप अभी स्क्रीन पर भी देख रहे होगे, और ये दीवार के अंदर था और ये वाहिद ऐसा जिन था जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा था बिल्कुल साफ। लेकिन मैं धोखा यूँ खाया, मैं समझा कि शेड है या कोई वैसा कुछ होगा या मेरा वहम होगा, लेकिन मैंने सोचा कि इसको आगे जाके मैं कवर करता हूँ। जब मैं आगे गया तो कुछ नहीं था, तो मैं ये समझा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन वो अपना काम कर गया था। वो हमारा नसीब होता है हर जगह, बहुत कम जगहों से मैं बिना जिन्नात के वापस आया हूँ, वरना हर जगह जिन्नात मिले हैं। 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ जिन्नात नहीं मिले, लेकिन आवाज़ें आई हैं, हरकतें हुई हैं, तो उनको तो मैं किसी खाते में नहीं लाता। उस टाइम अनाड़ी भी थे क्योंकि हमारे पास भी रॉन्ग नंबर था, सज्जाद सलीम जैसा ना, सज्जाद भाई जैसा, क्योंकि भाई भी हैं और बकौल तुम्हारे बाबा भी हैं, तो इज्जत तो देखो करनी चाहिए, बड़ा है और पुराना है, लेकिन वही कि बस अब क्या करें, मजाक बनाया हुआ है तो क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब एक बंदा मुझे बता रहा था कि यार 10-15 साल हुए हैं इनको शो करते हुए, और जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम शो कर रहे हैं। तो भाई देखो सज्जाद भाई, ये मर्दों वाला खेल है, इसमें 2 एंड 2 है, या तो मारेंगे या मरेंगे, समझ रहे हो ना? तो सस्ती अदाकारी छोड़ दो सज्जाद भाई, और ये फजूल के जिन्नात बनाना दिखाना सब छोड़ दो। और साद और आबिद भाई, तुमने इतनी बड़ी फिलोसफी ले ली, तुम पता करते क्या, तुम जाते सीधे चौकीदार के पास, क्योंकि वो जो आग वाला जिन था ना वो तुम्हारा चौकीदार था, पूछने ना चाय पिला के बता देगा। तो इतना तो अब वही बात है ना, आप फील्ड के नहीं हो, आपको भी गेम नहीं पता ना इसका क्या बनता है क्या नहीं। हमें तो सब पूरा अच्छे से पता कर तक छोड़ कर आए हैं, और बोलता भी रहता था अक्सर के यार कुत्ते बिल्ली में जिन दिखाना छोड़ दो, चुप कर लिया। बकरी भी आ गई है उनके पास ना, बकरी में भी जिन दिखा रहे हैं। अब आप ये भी देख लो, जैसे इन्होंने बकरी में जिन दिखाना शुरू किया, वो क्या रास वाले जो है ना, वो भी बकरी लेके पहुंच गए उनके पास, भी बकरी घूम रही थी। पूरा पागल बनाने का सिस्टम है, सज्जाद भी बुरा नहीं मानेगा और काबिल एहतराम है मेरे लिए, लेकिन यार देखो जो गलत है वो गलत है, फिर भूलना चाहिए। तो समझ लो जो फेक है वो फेक है, फिर बाद में जलालत होती है वो आपने देख लो, वो सरजानी वाली भी देख लो आप, और ये साथ और आबिद वाली भी देख लो, फिर आप इनको स्ट्राइक मार के इनका चैनल भी बंद कर दो, तो ये भी गलत है। अबे भाई तुम इनको 1000 चैलेंज दे दो, सज्जाद भाई कभी नहीं आएंगे उस जगह पे गोली मार माउंटेड हॉस्पिटल, कभी नहीं आएगा वो बंदा। वो इसलिए नहीं आएगा कि देखो जो झूठ करके जाता है ना, वो कभी सामना करने नहीं आता है, वो ये नहीं बोलता है कि हाँ मैं था, जो ये कर लो वो कर लो। देखो ये सारे चैलेंजेस जो है ना मुझे, मेवा शाह को मैं लेके जाऊँगा गोली मार माउंटेड हॉस्पिटल के, जिन मैं आपको दिखाऊंगा, आपको सामने आ गया, वो मेरी खुशकिस्मती है, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ दुआएं मांगता हूँ सामने आए। लेकिन देखो भाई जिन सामने नहीं आता, और जो आएगा वो मुझे उठा उठा के फेंकेगा, तो आते ही कैमरे में नहीं, असल जो जिन्नात आते हैं ना वो कैमरे में ही आते हैं, और बाकी फेक वाले तुम्हें पता है कि किस तरह आते हैं, वो आपने देख लिया, कितने तो समझदार हो ही गए तुम। तो असल जिन्नात मेरे साथ देखना, जितने चैलेंजेस हैं मुझे देना। सज्जाद भाई को तुम लास्ट चैलेंज दे दो, कभी नहीं आएगा वो बंदा, क्योंकि देखो जो अदाकारी करके जाता है वो कभी सफाई देने नहीं आएगा। तो ये जिन दिखाने की ख्वाहिश आपकी मैं पूरी कराऊंगा, आप मेरे साथ जहाँ चल रहा हूँ आपको चलना है ना, गोली मार के अलावा भी जिन चल रहा हूँ, मेवा शाह मुझे करना ही है तो वहाँ भी मैं आऊँगा इंशाल्लाह। अभी मैं बस DHA किसरी ग्रेवयार्ड जरा करलन उतर की बड़ी कहानी चल रही है ना, आवाज़ें आवाज़ों की, तो देखो वहाँ भी जाके मैं भौकाल मचाऊंगा अपना। और इसके अलावा बस थोड़ा सा सदमे में था, वीडियो में कल ही डाल देता, लेकिन एक जिन्नाती बिल्डिंग थी जो मैंने देखी भी थी, वहाँ का मना हो गया यार, बड़ा सदमे में हूँ मैं अभी तक। देखो जहाँ जिन्नात होते हैं वहाँ मना ही हो जाता, या फिर 100 मुश्किल आती हैं, तो देखो ऐसे होते हैं भाई जिन्नात, समझ लो ना, ये हलवा ये मदाफ नहीं है जिन्नात। और मैं आपको बता रहा हूँ जितने कर रहे हैं ना सब ड्रामे कर रहे हैं। और अभी एक MMTV वाले साहब हैं, वो सज्जाद भाई को लेक्चर दे रहे थे उस पर कुमारी पे। अबे यार चाचा तुम उस वक्त लेक्चर दो जब तुम भी कुछ सही कर रहे हो, समझ रहे हो ना, आप खुद भी अदाकारी कर रहे हो, दूसरों को ज्ञान दे रहे हो कि आप कैसा जिन दिखा रहे हो। चाचा ऐसा नहीं करो कि हम जिंदा हैं, कि रियल वाले हैं इस दुनिया में, समझ रहे हो ना, हम तो जाते हैं मरने या मारने, समझ रहे हो ना चाचा, ये सब नहीं करते हम। तो आप दूसरों को ज्ञान देना बंद करो, पहले अपने गिरबान में जा दो, समझ रहे हो ना, फिर दूसरों पर आप तबसरे करना, बुरा नहीं मानना, बड़े हो मेरे, लेकिन ये सब नहीं करो, क्योंकि फेक करोगे तो फिर मैं जिंदा हूँ, मैं आ जाऊँगा बजाने आपकी, समझ रहे हो ना। जैसे सज्जाद भाई को दिखाया ना अभी कुत्ते बिल्ली में क्या होता है, तो फिर आपके भी ऐसे 10 किस्से मेरे पास पड़े हुए और खुल रगड़ूंगा मैं खुद सबसे पहले, समझ रहे हो ना। तो अभी होशियारी ले लो, इससे पहले फिर आपका नंबर आए।
तो बाकी तो जलील हो चुके हैं, वो देख लो तुम्हारा पाब्लो एस्कोबार, वो क्या राज वाले, वो क्या होगा वाले, वो तो कैरी मिनाटी रगड़ चुका। तो उस टाइम भी मैंने हल्का ही रगड़ा, कुछ बोला नहीं था। तो भाई ये जितने चैलेंज दे रहे हैं ना साथ और हाफिज भाई, गोली मार वॉन्टेड हॉस्पिटल मेवा शाह, जहाँ भी तुम्हें जिन देखना, तुम ये जो कह रहे हो ना कि जिन्नात कैमरे में नहीं आते, तो भाई असल जिन्नात कैमरे में ही आते हैं, वो सस्ते अदाकार होते हैं जो कैमरे में नहीं आते। तुमसे बहुत जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह, मैं रब्ता करूँगा और ज़रूर आऊँगा गोली मार वॉन्टेड हॉस्पिटल, और मेवा शाह भी तुम्हें लेके चलूँगा, तुम टेंशन नहीं लो। जितने चैलेंजेस देने मुझे दो, बाकी तुम चैलेंजेस दो सज्जाद भाई को, अगर आ जाएँ तो फिर जो इनाम बोलोगे मैं दूंगा, और बाकी उनको बोलना फुटेजें दिखा दें मेरे पास, तो गोली मार वॉन्टेड हॉस्पिटल की रियल फुटेजेस पड़ी हुई है ना, मुझे तो ना एडिटिंग का इतना एक्सपीरियंस है ना साउंड इफेक्ट डालने आते, सीधा सीधा एडिटर हूँ मैं, वो भी अब जाके बनाओ, और मैं भी समझता था जिन्ना सामने आते हैं बुला बुला के मरिया हूँ मैं, आने होते तब तक मैं जिंदा ही नहीं होता। बाकी यकीन तुम समझ गए हो, समझदार हो, और इसके अलावा आप ये वीडियो देखें जिस पे इतना बड़ा मैंने तबसरा दे दिया, छोटा मोटा गरीब लोग हैं हम लोग, समझ रहे हो ना, लेकिन जिन्नात के मामले में हम हमसे बड़ा अमीर कोई नहीं है, क्योंकि हम जाते हैं टू एंड डाई वाला मर्दों वाला खेल खेलते हैं, ये नहीं है सस्ती अदाकारी करें हम कि ये दिख रहा है वो दिख रहा है, अभी जो भी होगा आगे जाके देखेंगे, मारेंगे या मरेंगे बस यही काम है। तो इसमें देखो यार वो बात है कि झूठ नहीं चलता, समझ रहे हो ना बात, और जो करता है फिर वो जलील कैसे होता है, समझ रहे हो ना, बंदे मरवा दिए उसके बाद उसने बोला कि भाई मैंने तो बोला था बंदे मरवाने को, तो ये होती है फिर जलालत। तो उसके बाद प्रसाद और आबिद भाई ने भी कसर पूरी कर दी है, और भी कोई हो गया आ जाएगा, तो देखो फेक करोगे तो फिर रगड़ा दो, तो इसीलिए पहले होशियारी पकड़ लो, तो मेहरबानी आपकी, बाकी ये वीडियो देखो उसके बाद बताओ क्या लग रहा है।